हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा थार की एसेसरी के ऊपर, जो हमने कंपनी फिटेड एसेसरी लगवाई है उनके ऊपर। तो हमने कुछ एसेसरी जो है कंपनी से लगवाई, बाकी जो मॉडिफिकेशंस बाहर से होने वाले हैं जो कि अभी तक हुए नहीं है, अभी होंगे। तो अभी सिर्फ कुछ एसेसरी लगी हुई है कंपनी से, वो ही लगी है गाड़ी के अंदर और अलग से कुछ काम नहीं हुआ है। बाकी जो स्टॉक गाड़ी आती है उसी तरह की गाड़ी है, अलॉय वगैरह सब स्टॉक ही है, कुछ अभी तक बाहर से काम नहीं हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहली एसेसरी की जो हमने इंस्टॉल करवाई है, वो है इसके मड फ्लैप्स। प्राइस जो है वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, स्क्रीन के ऊपर दिखती रहेंगी आपको। यहाँ पे फ्रंट वाला मड फ्लैप दिया हुआ है, छोटा सा मड फ्लैप है, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा होता है तो नीचे टच होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है थार, तो टच होता नीचे इससे, इसलिए ही छोटा सा दिया इन्होंने। बट आप देख रहे होंगे कि टायर की वजह से ऊपर तक जो है इम्पैक्ट जा रखा है, जो गंदगी है ऊपर तक जा रखी है, पानी वगैरह। साथ में बात करते हैं पीछे वाले की, तो पीछे वाला कुछ इस तरीके का है, ये टेढ़ा सा दिख रहा होगा, टेढ़ा सा ही है क्योंकि ये पहले से ऐसा ही आया है। बाकी फिटिंग जो है प्रॉपर है और इसका भी कोई इतना ज़्यादा रोल है नहीं, पीछे तक जाता है, लेकिन स्टिल फ्रंट वाले से बेटर है पीछे वाला। इसके बाद में जो नेक्स्ट एसेसरी हमने इंस्टॉल करवाई है कंपनी से, वो करवाई है रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर गार्ड जो है वो नीचे इंस्टॉल होता है इस जगह पे, तो ये रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि रेडिएटर जो है थार का नीचे आता है, आप देख रहे होंगे बम्पर जो है वो इस जगह पे है लेकिन रेडिएटर जो है वो नीचे तक है, तो कोई भी इंपैक्ट होगा डायरेक्ट आपका रेडिएटर के अंदर जाएगा। लेकिन मुझे इसका प्रोटेक्शन इतना अच्छा लगा नहीं है, एक आफ्टर मार्केट एसेसरी आती है जो कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है नीचे अंडर बॉडी को, वो एक लगवाने का मेरा प्लान है, ताकि कभी भी अगर इसको ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं, जो कि लेके जाएंगे नहीं इस गाड़ी को, क्योंकि इसको मेनली हमको हाईवे वगैरह पे या नॉर्मल सिटी के अंदर चलाना है, क्योंकि बेसिकली 4x2 ही है। तो अगर हुआ तो हो सकता है इसके अंदर वो चीज़ हम ऐड करवाएं, या फिर उससे नहीं भी करवाएं, क्योंकि जरूरत भी नहीं हमको। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इतना तो आपको मिल ही जाता है, देखो आप इतना आपको मिल ही जाता है कि आपको ये जो है हिट नहीं करेगा। बाद में बात करते हैं फ्रंट में, तो और कुछ चेंजेस जो इसके अंदर नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब प्रॉब्लम वगैरह आती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है ये स्कफ प्लेट, मेटेलिक स्कफ प्लेट थार की बैजिंग के साथ में। तो ये इस तरफ भी है और ये ड्राइवर साइड के अंदर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो थार। तो ये जो चीज़ है ये बाद में हमने इंस्टॉल करवाई है, ठीक है। मेटेलिक पूरा है, SS का बना हुआ है और यहाँ पे शाइन करता हुआ थार। इसके बाद जो नेक्स्ट एसेसरी है वो है हमारी रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो हाँ, थार के अंदर जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो किसी भी वेरिएंट के अंदर आता नहीं है, आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है और कंपनी में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये आपको दिख रहा हुआ है, ये मूवेबल है, आप इसको मूव कर सकते हो ऊपर नीचे। तो मैंने इसको भी छेड़ा नहीं है, पहले स्टॉक में उन्होंने पहले से सेट किया हुआ, वही सेट है। तो ऊपर नीचे आप यहाँ से इसको कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी गंदा भी हो रखा है, इसको साफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि आज अभी मौसम भी ख़राब चल रहा है। तो आपको धीरे हल्का ऊपर नीचे आप इसको है मूव कर सकते हो, फिट टाइट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बहुत हल्का हल्का माइनर सा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी हो नहीं पा रहा क्योंकि ये फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो टाइट करने का नीचे से स्क्रू होता है, तो पीछे की तरफ से होगा। तो ये जो है बम्पर के अंदर होल किया गया, उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया गया, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्लॉट नहीं आता है। इसके बाद में यहाँ पे हमको जो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो इसका आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ अंदर चल के। तो अभी रिवर्स गियर लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है इसका। आउटपुट सही है इसका, ज़्यादा मैं बोलूँगा सुपीरियर भी नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार है, आपका काम अच्छे से चल जाता है। ज़्यादा रेट भी नहीं है इसकी, कंपनी से लग जाता है और कंपेटिबल है फुली, हैंग वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके साथ में इसी का आता है, इसी कंपनी का, जिस कंपनी का उन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, तो फुली कंपेटिबल है इसके साथ में। आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, साथ ही में इसके हमको यहाँ पे भी इंडिकेशन आता है, क्योंकि जिनके अंदर आपको, आपने अगर मान लो ये लगवाया नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेंसर का इंडिकेशन इस जगह पे देखने में मिलता है। ये बार्स दिए हुए हैं, जितना आप नज़दीक जाओगे उतना ये आपको बार शो करते रहेंगे कि आप इतना नज़दीक आ चुके हैं, या पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो इतना नज़दीक आ चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एसेसरी हमारी है वो है हैंड रेस्ट। तो ये हमने एक फ्रंट का हैंड रेस्ट इंस्टॉल करवाया है इसके अंदर, तो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, आप देखोगे इसको दबा के इसको आप खोल सकते हो। तो ये इतना सा स्टोरेज वाला हमारा हैंड रेस्ट है, इसके अंदर देख लो आप, यहाँ पे इतना खाली सा रहता है, हालांकि प्रॉपरली फिट नहीं होता इस जगह पे, मतलब फिट प्रॉपरली है लेकिन गैप जो है यहाँ पे अनइवन सा, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, वो उसकी वजह से यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है, वो अपने हैंड ब्रेक की वजह से हमको यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं विंडोज़ के, इसलिए तो ये छोटा छोटा ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आपका हाथ जो है, मैं 6 फीट का हूँ, तो मेरा हाथ भी खुद का आगे तक जा नहीं पा रहा है, आपको जो है यहाँ से हाथ आगे ही कंट्रोल जो है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके बाद में हमने साथ ही के अंदर ऐसा ये स्लाइडिंग भी है, ये बता देता हूँ आपको मैं, साथ में स्लाइड हो भी है तो ये इतना स्लाइडिंग भी अपने मिल जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पीछे वाले हैंड्रेस्ट की, तो ये भी हमारी एक नेक्स्ट एसेसरी का पार्ट है जो हमने पीछे लगवाया है, एक यहाँ पे और एक जो है इस तरफ,
तो ये दोनों तरफ हमारे हैंडरेस्ट लग चुके हैं, इनका भी सिमिलर सा है। इसके अच्छी चीज़ ये है कि वायरिंग भी साथ में हुई है और जो आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ नहीं आते हैं वो इसमें हमको मिल जाते हैं। इस जगह पे यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है आपको, चाहो तो आप इसके अंदर अपनी बॉटल होल्ड कर सकते हो या फिर अपने ग्लास वगैरह रख सकते हो। ये अपने को मिल जाता है कुछ स्टोरेज, फ्रंट वाले जितना स्टोरेज है सिमिलर सा स्टोरेज मिलता है। ये भी स्लाइडिंग है सिमिलर सा, बिल्कुल पीछे वाला और आगे वाला बहुत सिमिलर सा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये ऊपर की जो गद्दी सी है थोड़ी सी डिफरेंस है, कुशन जो अलग है, बाकी सिमिलर आगे पीछे होते हैं, सिमिलर स्टोरेज इनका। तो ये कुछ हमको पड़ा था, अलग अलग प्राइसिंग पड़ी थी, आपको प्राइसिंग आपको दिखी रही होगी डिस्प्ले के ऊपर। इसके बाद में हमने जो लिया है गाड़ी के लिए, गाड़ी की सेफ्टी के लिए, एक जो मैप माई इंडिया का इसके अंदर आता है, मैप माई इंडिया का आता है, महिंद्रा का देता है, पर उसके अंदर जो हमारे पास एक्सेसरी की जो लिस्ट आई उसके अंदर मैप माई इंडिया लिखा हुआ है, तो मुझे कन्फर्म नहीं है महिंद्रा का है या मैप माई इंडिया का, जिसका भी ये लोग देते हैं। तो 3 साल का हमको व्हीकल ट्रैकिंग के लिए हमने एक लिया है। इसके बाद में जो लास्ट जो एक्सेसरी हमने कंपनी से इंस्टॉल करवाई है वो है रेन वाइज़र। और ये रेन वाइज़र जो है बहुत, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी गाड़ियों की कंपनी से तो बहुत सस्ते आते हैं। इसमें क्रोम बीडिंग आती है लेकिन ये अनइवन आती है। ये मैंने देखा है महिंद्रा के अंदर क्रोम बीडिंग हर जो है हर गाड़ी के अंदर अनइवन सी देते हैं, चाहे एक्सयूवी लो चाहे आप कोई भी लो। एक्सयूवी 7W मुझे आइडिया नहीं, पर 3W के अंदर भी अनइवन ही आती है। देखोगे आप यहाँ पे जो है अनइवन आपको दिख जाएगी, और ये इधर की तरफ नहीं उस तरफ भी है। अगर आप इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे से ही है यहाँ से, पर यही है जो महिंद्रा का है क्योंकि ये जेन्युइन है। और ये मैंने बहुत सारी थार के अंदर देखा है जिन्होंने भी कंपनी से लगवाई है, सभी के अंदर ऐसा इशू आता है। तो ये थे दोस्तों कुछ एक्सेसरी जो हमने कंपनी से इंस्टॉल करवाई थी, और प्राइसिंग अगर आपने साथ में देख ली होगी, टोटल कितना खर्चा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।